का गुलाम है वो जो कहे हम वही कर दे। क्या मिल जी नहीं, आप गुलाम नहीं है, आपको कौन गुलाम कहता है? ए आर भाई क्योंकि इमरान खान की फेवर करता है, पीटीआई की फेवर करता है, इसलिए उसके बंद होने पर पूरा अमरीका लिख रहा है। वजीर खारजा तो क्यों तकलीफ है ए आर भाई के बंद होने पर, उन्हें क्यों तशीश है? भाई पूरी दुनिया में यमन लुट गया, कश्मीर में बर्बरियत हो गई, मुसलमानों का कत्लेआम हो गया, चेचनिया में, बोस्निया में, पूरी दुनिया के हिस्सों में, यमन में, शाम में, लेकिन कभी भी वजीर खारजा अमरीका के वजीर खारजा को कभी परेशानी नहीं हुई, कभी तशवीश नहीं हुई। डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी की माँ अपनी बेटी के इंतजार में चली गई दुनिया से, लेकिन अमरीका का वजीर खारजा को तशवीश नहीं हुई। डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी 86 साल की कैद अमरीका जेल में काट रही है, लेकिन वजीर खारजा को, अमरीका के वजीर खारजा को कोई तशवीश नहीं। अब क्यों तशवीश है? और फिर कहते हैं कि हम गुलाम हैं, आप गुलाम हैं तो और क्या है? गुलामी के अलावा आपके पास क्या है? अमरीका की गुलामी का दांव हमारे गले में है और वजीदा इताजदार की मुकाम का दांव हमारे गले में है। तो दीन के साथ वफा करना, नबी रसूलुल्लाह के साथ वफा करना, ये तहरीक पैक का शियार है। और आलम कुफर अमरीका और यूरोप का पटा तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है, फिर तुम कहते हो कि हम गुलाम है। भाई तुम गुलाम नहीं तो और क्या? और ये कहना कि जनाब इमरान खान के झंडे के तले नीचे आ जाए, जब इमरान खान गोलियां चला रहा था और तहरीक पैक पाकिस्तान के नबी रसूलुल्लाह की इज्जत और नमूस के मुहाफ़िज़ों की लाशें गिरा रहा था, उस वक्त इमरान खान का ईमान कहाँ था? उस वक्त कलमा कहाँ था? नामूस रिसाल का परचम कहाँ था? अब तो आप कह रहे हैं आप इमरान खान के झंडे के नीचे आ जाएं, उसके पास झंडा है तो